Hello children, today we are reading chapter number 13 of your social studies section, and the chapter name is Being Good. Being good, achha banna hai. We work and play at fixed time. Hum kaam karte hain aur khelte hain ek nishchit samay par. We never waste time. हम कभी समय को बर्बाद नहीं करते. वी गो टू बेड अर्ली, वी राइज अर्ली. हम समय पर जल्दी बेड पे जाते हैं, सोते हैं और हम जल्दी उठते हैं. वी विश आवर एल्डर्स एट नाइट एंड इन द मॉर्निंग. हम रात में सोते समय और सुबह उठकर अपने से बड़ों को विश करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं. We always go to school in the school uniform. और हम हमेशा स्कूल कंप्लीट स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं. We reach the school in time. और हम समय पर ही हमेशा स्कूल पहुँचते हैं. We go for the assembly in the queue. स्कूल में जब असेंबली होती है तो हम सब क्यू मतलब लाइन बना कर आते हैं, ऐसे भाग दौड़ कर नहीं आते हैं. वी स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर. हम पानी पीने के लिए भी लाइन बनाकर खड़े होते हैं स्कूल में. वी डू नॉट पुश ईच अदर. और हम कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देते हैं. वी वेट फॉर आवर टर्न. और हम अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं. वी डू नॉट टीज एनीबडी. हम कभी किसी को भी चिढ़ाते नहीं हैं. We do not make a noise. और हम बहुत शोर भी नहीं करते. We move about quietly. हम स्कूल में आराम से चलते हैं, धीरे धीरे सारे काम आराम से करते हैं, शोर नहीं करते हैं. We stand up when teachers come to our class. और हम खड़े होकर टीचर को सब विश करते हैं जब टीचर हमारी क्लास में आती हैं. गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बोलते हैं ना. वी विश आवर टीचर्स, वी लिसन टू देम क्वाइटली. और हम शांति से वो जो भी हमें सिखाती हैं, समझाती हैं, हम ध्यान से शांति से सुनते हैं. वी ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली. हम बहुत सॉफ्टली मतलब आराम से, तेज़ नहीं, मीठा बोलते हैं. वी डू नॉट यूज फॉल वर्ड्स. और हम खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते. वी से प्लीज इफ वी आस्क फॉर समथिंग. नाउ दीज आर गोल्डन वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन सीनियर के जी एंड जूनियर के जी ऑल्सो. सो वी से प्लीज इफ वी आस्क फॉर समथिंग. हम प्लीज बोलते हैं अगर हमें कुछ चाहिए. कैन यू प्लीज गिव मी दिस बॉटल, कैन यू प्लीज गिव मी पेंसिल. दिस वे वी से थैंक यू इफ वी गेट समथिंग. अगर हमें कोई कुछ सामान देता है या कुछ देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं. वी से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस. और जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो हम उसको वेलकम बोलते हैं. वी से सॉरी इफ वी डू एनीथिंग रॉन्ग. और जब हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी माफ़ी भी मांग लेते हैं, हम सॉरी बोलते हैं. We say it's all right if someone says sorry to us. अगर कोई हमें sorry बोलता है तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, it's all right. हम ऐसा बोलते हैं अगर कोई हमें sorry बोलता है. जैसा ये बच्चे आप देखिए picture में how they are talking. Please give me your pen. ये please बोल रहा है pen मांगने के लिए. Happy birthday काजल, उसने उसे gift दिया तो what she is saying thank you. और इसको स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है तो ये बोल रहा है सॉरी. छींक आती है तो हमारी छींक से किसी को डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए सॉरी बोलना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बीइंग गुड. हम वी ऑल आर गुड चिल्ड्रन, राइट. सो वी विल लर्न ऑल दीज गोल्डन वर्ड्स एंड विल इम्प्लीमेंट दिस इन आर डेली रूटीन. So please read the chapter regularly. Do the reading practice at home by reading again and again all the subjects. Thank you.